hello children welcome to your english class today we will do grammar part noun and today we will do part 4 that is countable nouns and uncountable nouns so let's start with countable nouns so what is countable noun children countable nouns are those which can be counted and which have a plural form like which we can count on our numbers next for example one बुक टू बुक्स वन पेंसिल टू पेंसिल सो दीज आर काउंटेबल नाउंस ऐसे नाउंस जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर में सो विथ काउंटेबल नाउंस वी कैन यूज ए एन और अ नंबर बिफोर द नाउन हम काउंटेबल नाउंस के आगे से ए एन और नंबर लगा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वन एप्पल एक सेब टू एप्पल्स दो सेम तो वन और टू हमने लगाया ना उसके आगे नंबर येस नाउ नेक्स्ट काउंटेबल नाउंस कैन बी यूज अंगलर वर्ब और प्लूरल वर्ब सिंगलर एंड प्लूरल वर्ब भी यूज करते हैं सो सिंगलर वर्ब लाइक इज प्लूरल वर्ब आर फॉर एग्जाम्पल नंबर वन द बलून इज ऑन द टेबल तो नंबर टू द बलून्स आर ऑन द टेबल एक बलून है तो इज दो बलून्स है तो आर तो ये है वर्ब अनकाउंटेबल नाउस आर दो नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड एंड विच डू नॉट है प्लूरल फॉर्म अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम अपनी फिंगर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं नंबर्स में जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैन नॉट काउंट एंड हैव ओनली वन फॉर्म उन्हें हम नंबर्स में वन टू थ्री फोर नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं और उन्हें हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वाटर हम नहीं बोल सकते एक वाटर दो वाटर रेन मिल्क हम मिल्क को भी नंबर में काउंट नहीं कर सकते वी कैन नॉट यूज ए एन और अ नंबर बिफोर अनकाउंटेबल नाउंस हम अनकाउंटेबल नाउंस के आगे से कोई भी नंबर या ए और एन नहीं लगा सकते हैं For example, one water. We can't say one water. We can't say two rain. We can't say three milk. So it is not possible. So uncountable noun means essay nouns jinse hum count we kar count. Let's do some practice. Now look at the uh, sheet. So your question is write C next to the countable nouns and U next to the uncountable nouns. नाउन्स और वन हैज बीन डन फॉर यू फॉर एग्जाम्पल कैट कैट हम काउंट कर सकते हैं तो इट इज सी काउंटेबल नाउन वॉटर हम वॉटर को काउंट नहीं कर सकते हैं तो वॉटर यू अनकाउंटेबल नाउन टैप टैप इज अ काउंटेबल नाउन मिल्क बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क तो मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन बुक book Bookham count kar sakte It is C countable noun. So, like this, you have to complete the exercises. Now, next exercise is put a cross against the group of words that are wrong and a right against the correct one. So, one has been done for you. Till then. So one has been done for you. For example, eight horses. So, can you count the children? Eight horses. If there are eight horses in front of you, you can count. Yes. So put a tick mark against a correct one and cross against the wrong one so do this exercises till then goodbye